जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 17, 18, 19 नवंबर 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। भारत में हर साल 17 नवंबर को मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर का महीना राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। नीतीश कुमार बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बने हैं। ईडी के निर्देशक एसके मिश्रा का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने पर किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन आव। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में। एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म जल्द लॉन्च करेगा। SBM बैंक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। SBM बैंक इंडिया लिमिटेड के MD और CEO हैं सिद्धार्थ रथ। SBM बैंक इंडिया लिमिटेड का परिचालक 1 दिसंबर 2018 हो रहा है। SBM बैंक इंडिया 2000 इसका टैगलाइन है वी मेक बैंकिंग कन्वेंस्ड फॉर यू। डॉक्टर सुसत्ताकर को प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लिस्मैनिया डोनोवाली की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए उनके योगदान के रूप में दिया गया है। SpaceX ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्टेशन स्पेस भेजा है। जापानी नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबी का निधन हो गया है। इन्होंने कई बार पहली महिला बनने की उपलब्धि हासिल की है, जैसे कि पहली महिला सांसद बनी है 1977 में, पहली MLA बनी है, पहली मंत्री 1964 से 1966 और 1972 से 1974। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की पहली नेता हैं 1982 से 1985 तक। राजस्थान के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने JNU में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। पीएम मोदी ने 3रे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। गोल्डमैक्स सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -10.3% रहने का अनुमान जताया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हर साल नवंबर महीने के 3रे रविवार को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की याद में विश्व दिवस मनाया जाता है। यातायात सड़क के पीड़ितों की याद के लिए विश्व दिवस 2020 का विषय है फर्स्ट रिस्पॉन्सर। भारत में हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस रूप में मनाया जाता है। इस समय आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपाद येसो नाइक। RBI ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। राजस्थान के पाली में चेतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी की 151वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा 151 इंच 12.6 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। इस शांति प्रतिमा का निर्माण अष्टधातु यानी 8 धातु से किया गया, इसमें तांबा मुख्य धातु है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।